अरे अदनान, कैसे बैठा? अरे बैठा क्या काम सा, परेशान हूँ बहुत ज्यादा। भैया एक फैक्ट्री तो है, अगर काम कर सको तो। अच्छा कहाँ है जी काम? सेठ धर्मदास की फैक्ट्री है। अच्छा हाँ वहां मिल जाएगा काम? हाँ मिल जाएगा काम। अरे चौधरी साहब, कहाँ बताया तुमने? वो सेठ तो मुसलमानों से बहुत नफरत करता है, वो काम क्या देगा? ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जा रहा है? चलो तो जी मैं फिर ट्राई करता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है। सेठ जी, हाँ बोलो, क्या बात है? क्या मुझे काम मिल सकता है? काम ना है? अरे सेठ जी, मुझे काम दे दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे कह तो दिया काम नहीं है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, घर में खाने के लिए भी नहीं है। अबे तो मैंने क्या ठेका लिया तेरे घर का और तेरा? अजी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, ठीक है, काम तो मिल जाएगा, मगर तनख्वाह मिलेगी 7,000 रुपये, मंजूर है तो बता। सेठ जी 7,000 तो कम है थोड़े। अबे कम नहीं है, हमारे हिसाब से तो अब भी 2,000 रुपये ज्यादा हैं। अगर करना हो तो करो, ना तो अपने घर जाओ। चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो नाम क्या है तुम्हारा? अदनान है जी मेरा नाम। कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ मुरादनगर में। सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक ड्यूटी है। चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ। ऐसा है, ये फैक्ट्री है हमारी, इसमें जाके काम कर लो। ठीक है सेठ जी। ठीक है। अरे अजान हो रही है, मैं नमाज को चलता हूँ। अरे ये कहाँ जा रहा काम छोड़ के? पूरे 15 मिनट में आया? अरे नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ कर आता हूँ। अब फिर चल दिया? अब क्या 10 मिनट में आया? अरे इसका मतलब ये है कि तो कई कई बार जाता है, इसकी तनख्वाह में से काटना पड़ेगा पैसा। सेठ जी हाँ, पगार दे देते मुझे। हो गया तेरा महीना? हाँ हो गया। अभी देता हूं, ये ले। अरे अरे सेठ जी, ये तो 5,000 हैं। और कितने लेगा? आपने तो 7,000 कहा था। ये भी मैं तुझे ज्यादा ही दे रहा हूं। तू जो 10-12 दिन में काम छोड़ के जाता है ना, उसके नहीं कटेंगे पैसे?
लेकिन वो तो मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ। अब नमाज पढ़ने जा या कहीं भी जा, काम तो छोड़ता है तू। अरे दे देते, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें इस बात से वो नहीं है, अगर काम छोड़ेगा तो पैसे तो कटेंगे ही, और अगर पूरे पैसे चाहिए तो आना जाना तो बंद करना पड़ेगा, ना तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे सेठ जी, ये रखो अपने पैसे, और मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी जहाँ नमाज छोड़ी जाती हो। मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि नमाज ही मुसलमान की पहचान है। ठीक है तो जा, तू अपनी नमाज ही पढ़। हाँ हाँ जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पिताजी को अभी बुलाना था, घर में आराम से लेट के मोबाइल चला रहा था। इतने बढ़िया बढ़िया गाने आ रही। अरे ये किसका एक्सीडेंट हुआ, जल्दी से इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ। अरे फोन किसका आ रहा है, पता नहीं किसका है। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? आप सेठ धर्मदास बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपके बेटे का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। हैं? मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, आप सिटी हॉस्पिटल में आ जाइए बहुत जल्दी। अच्छा क्या हुआ? ठीक है मैं अभी आता हूँ। हे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। डॉक्टर साहब मेरे भाई को बचा लो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे घबराओ मत, सब ऊपर वाला ठीक करेगा, ऊपर वाले पे विश्वास है। जी ऊपर वाला ही ठीक करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ। ठीक है फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बेटे को? सेठ जी आपके बेटे का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है और उसे खून की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को ठीक कर दो, पैसे चाहे कितने भी लग जाएं, आप बिल्कुल फिक्र ना करना। सेठ जी पैसों की तो कोई बात नहीं है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब मेरे बदन का सारा खून निकाल लो, मगर मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर साहब तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? डॉक्टर साहब मेरा बी पॉजिटिव है। वो तो काम नहीं करेगा, उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है डॉक्टर साहब मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। एक घंटे के अंदर खून का मिलना जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब मैं इंतजाम करता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे से खून का इंतजाम नहीं हो पाया, मेरे बच्चे की जान बचा लो। आप घबराओ मत, खून का इंतजाम हो चुका है, एक मुस्लिम लड़के ने अपना खून देकर आपके बेटे की जान बचाई है। तुम्हारे बेटे को खून देने के चक्कर में उसका रोजा भी टूट गया। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं भी आज तक कितना गलत था, मुसलमानों के बारे में जाने क्या क्या सोचता था, और आज एक मुसलमान बच्चे ने मेरे बेटे की जान बचाई। हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है, मेरी सोच बहुत गलत थी, मुझे माफ कर दो। डॉक्टर साहब क्या मैं उस महान इंसान से मिल सकता हूँ जिसने मेरे बेटे की जान बचाई है? वो लड़का तो खून देके जा चुका है, मेरे पास उसका एड्रेस है, वो चाहो तो तुम्हें मिल सकता है। ठीक है आप मुझे एड्रेस दे दीजिए। आप उसका एड्रेस इंक्वायरी काउंटर से ले लो। ठीक है डॉक्टर साहब।
अरे ये तो बहुत गरीब लगता है, इसके घर की हालत भी बहुत ही नाजुक है। चलो इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे सेठ जी आप? अदनान तू? आप यहाँ मेरे घर कैसे? क्या तूने ही मेरे बेटे की जान बचाई है? क्या वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो आपका बेटा था? हाँ वो मेरा ही बेटा था। सेठ जी मैंने आपके बेटे की जान नहीं बचाई, मैंने एक इंसान होने के नाते एक इंसान की जान बचाई है। बेटे मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत ही बुरा सलूक किया है मैंने तेरे साथ, हो सके तो मुझे माफ कर दे। अरे आप ये क्या कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आपको थोड़ी देर से आई लेकिन आपको अकल तो आ गई। एक बात ध्यान रखना मेरी, कभी हिंदू और मुस्लिम में फर्क मत समझना, हम सबके रगों में एक जैसा ही खून दौड़ता है। बेटे मैं शर्मिंदा हूँ, आज तक मेरी आंखों पे हिंदू मुस्लिम का पर्दा पड़ा हुआ था। बेटे आज मेरी आंख खोल दी तूने, मैं तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दे। अरे नहीं ये तो मेरा फर्ज था, एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। बेटे तू उम्र में मेरे से छोटा जरूर है मगर तू मेरे से इंसानियत में बहुत बड़ा है। अरे सेठ जी।